प्रदेश सरकार और संगठन में तालमेल की कमी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। सरकार का एक साल का कार्यक्रम पूरा होने जा रहा है और सरकार 11 दिसंबर को कांगड़ा में जश्न मनाने जा रही है, जिसको लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक शिमला में बुलाई, जहां कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। लेकिन इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह या किसी संगठन के नेता को नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर प्रतिभा सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के एक साल के कार्यक्रम के लिए उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ना ही मुख्यमंत्री ने उनके साथ कोई बैठक की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संगठन को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने में कठिनाई होगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी स्वयं संगठन से उभरे हुए आदमी हैं। वो हर बार संगठन की बात करते हैं, वो कहते हैं मैं NSUI में रहा, यूथ में रहा, और आज वो देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो मैं चाहती थी कि वो संगठन को भी मजबूती देते, संगठन के कार्यकर्ताओं को अभी मनोबल बढ़ना था। संगठन का जो काम है वो अगले हमारे 24 के चुनाव में काम आना था, सभी में एक तालमेल बनाना की आवश्यकता है। इस तालमेल को अगर हम बनाए रखेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, उनके हम काम करेंगे, तभी वो अगले चुनाव के लिए तैयारी करेंगे और चुनाव का सामना करने के लिए हम मजबूत हो पाएंगे।